नमस्कार दोस्तों, AYFI ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम UPSC CDS 2 भर्ती परीक्षा 2022 में जो ऑनलाइन आवेदन आपके स्टार्ट हो चुके हैं, 18 मई से 7 जून तक आपके ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के कुल पदों की संख्या रहने वाली है। 339 पद इसमें आपके लिए रहने वाला है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका आपको आ चुका है, जिसमें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत 18 तारीख को ये आपका एप्लीकेशन आया था। एप्लीकेशन इसमें पूरा कंप्लीट डिटेल जानेंगे, आपकी क्या एज रहने वाली है, क्या फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कितना एप्लीकेशन फीस रहने वाली है, आपकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके लिए इसमें क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप जानने वाले हैं। और अभी जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं चैनल से, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर पर है इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। स्टार्ट डेट फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई की 18/5/2022 से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म आपके। लास्ट डेट आपकी 14/6/2022 रहने वाली है। तो लास्ट डेट का इंतजार करे बिना पहले अपना फॉर्म अप्लाई कर दें। UPSC NDA एग्ज़ाम डेट आपकी रहने वाली है 4/9/2022 को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें जानकारी है आपकी एज लिमिट के बारे में, इसमें बात करते हैं। तो IMA के अंतर्गत इसमें अनमेरिड मेल कैंडिडेट के लिए वह 2 जुलाई 1999 से 2 जुलाई 1999 से पहले का जन्म हुआ नहीं होना चाहिए उसके, और 1 जुलाई 2004 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए IMA की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी इंडियन नेवल अकेडमी के लिए, इसमें कैंडिडेट की उम्र 2 जुलाई 1999 से पहली नहीं होनी चाहिए और नोट लेटर दें 1 जुलाई 2004 इसके बाद की नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम एयरफोर्स एकेडमी वालों के लिए, 20 से 24 साल रखी गई है, जिसमें 1 जुलाई 2023 को आधार मान के इसमें 1 जुलाई 2023 बोर्न नोट अर्लियर देन 2 जुलाई 1999 इससे पहले का जन्म हुआ नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2023 से बाद का जन्म हुआ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए, इसमें एज का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। SSC कोर्स फॉर मेन के लिए अनमेरिड मेल कैंडिडेट होना चाहिए जिसकी वह 2 जुलाई 1998 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और साथ ही 1 जुलाई 2004 के बाद का जन्म हुआ नहीं होना चाहिए, इसके बीच में आपकी एज काउंट की जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। आपकी जनरल OBC और EWS वालों की 200 रुपये इसमें फ़ीस रहने वाली है। SC ST कैंडिडेट वालों को, फीमेल कैंडिडेट के लिए इसमें कोई फ़ीस नहीं रहेगा, 0 फीस आपकी रहेगी। पेमेंट मोड आपका इसमें ऑनलाइन रहने वाला है। साथ ही इसमें हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इसमें IMA और OTA वालों के लिए इसमें बैचलर डिग्री इन स्ट्रीम, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब स्ट्रीम में हो, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर है इंडियन नेवल एकेडमी वालों के लिए, इसमें बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग में आपके लिए बैचलर डिग्री आपका होना अनिवार्य है। साथ ही इसमें बात करते हैं एयरफोर्स वालों के लिए, इसमें बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम विद फिजिक्स एंड मैथ आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जिसमें फिजिक्स और मैथ इन 10+2 लेवल पर आपको होना चाहिए, ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है इसमें। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। जो इम्पोर्टेंट है कि आपकी वैकेंसी इसमें इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA के लिए इसमें नंबर ऑफ पोस्ट हैं आपकी 100, और साथ ही इसमें इंडियन नेवल एकेडमी वालों के लिए इसमें नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसी रहने वाली हैं 22, एयरफोर्स एकेडमी वालों की इसमें वैकेंसी है आपकी 32 वैकेंसी आपकी रहेंगी। साथ ही इसमें ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTA SSC मेन, यानी कि SSC मेन की इसमें 169 आपकी पोस्ट रहने वाली हैं। साथ ही इसमें ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTA SSC वुमेन की इसमें फीमेल कैंडिडेट की 16 पोस्ट इसमें रहने वाली हैं। टोटल पोस्टों की बात करें तो 339 आपकी टोटल पोस्ट होती हैं। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, जिसमें फर्स्ट नंबर पर है ए ऑप्शन है 4 एडमिशन टू इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी के वालों के लिए इसमें सब्जेक्ट है और ड्यूरेशन दे रखा है टाइम का, मैक्सिमम मार्क आपके कितने रहने वाले हैं। इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट के 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा, 100 नंबर की रहने वाली है। साथ ही दूसरे नंबर पर है जनरल नॉलेज, आपके इसमें 2 घंटे मिलेगा, 100 नंबर का इसमें रहेगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए 2 घंटे आपको दिए जाएंगे, 100 नंबर आपकी इसमें रहने वाली है। साथ ही इसमें बात करते हैं बी ऑप्शन में दे रखा है 4 एडमिशन ऑफ ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी वालों के लिए, इसमें सब्जेक्ट है इंग्लिश, आपकी ड्यूरेशन रहेगा टाइम 2 घंटे, मैक्सिमम मार्क आपके लिए 100 नंबर का आपको रहने वाली है। जनरल नॉलेज में आपके 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 100 नंबर का इसमें भी आपका रहने वाला है। इसमें जो विशेष बात है वो आपके लिए इसमें सब्जेक्ट है आपका MCQ
एग्जाम लिया जाएगा जिसमें क्वेश्चन पेपर टेस्ट बुकलेट जनरल नॉलेज एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स विल बी बायलिंगुअल एंड आपकी जो जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है वह आपकी बायलिंगुअल रहने वाली हिंदी और इंग्लिश में आपको दोनों में पेपर आने वाला है। इसके बाद ही आपकी पास में द स्टैंडर्ड ऑफ पेपर्स इन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स विल बी मेट्रिकुलेशन लेवल का आपका इसमें पेपर का स्टैंडर्ड रहने वाला है मेट्रिकुलेशन का। इसमें स्टैंडर्ड पेपर विद अदर सब्जेक्ट विल बी अप्रोक्सीमेटली सच में एक्सपेक्टेड ऑफ ए ग्रेजुएट ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी ये आपकी रहने वाली है। दोस्तों ये था CDS का जो एग्जाम पैटर्न आपके सभी पूरे विस्तृत रूप से आपको बता दिया है। जो विद्यार्थी इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो फॉर्म अप्लाई अपना कर सकते हैं इसकी, और इस साथ इसकी जो लास्ट डेट है आपकी वो रहने वाली है 14, तो लास्ट डेट का इंतजार करने से पहले ही अपना फॉर्म अप्लाई कर दें। फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं। जो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो वीडियो को जितना उसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस सेशन को शेयर करें। धन्यवाद।